रुपए के लेन देन के विवाद में हुई फायरिंग, एक युवक की लगी गोली, युवक हुआ घायल। दो पक्षों में रुपए के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में बीच बचाव करने आए युवक के हाथ में मारी गोली। गोली लगने से घायल हुए युवक को पुलिस इलाज के लिए लेकर आई जिला अस्पताल। गोली लगने से घायल हुए युवक का डॉक्टरों ने किया उपचार। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव इमलियात नेगला की घटना। क्या बात होगी, किन लोगों ने गोली मारी है? भैया कुछ नहीं, मेरे पापा बैठे हुए थे वहाँ पे, दो लोगों का आपस में झगड़ा था, उनमें झगड़ा हुआ, उन्होंने मेरे पिताजी को हाथ उठा दिया, उनसे बदतमीजी बोलने लगे। पापा ने मैं बुलाया वहाँ पे, उनसे बातचीत की, उन्होंने किसी देर में तो गोली चला दी। गोली चला दी, कौन लोग हैं? जी दो लोग हैं, एक का नाम है दिनेश पिंटा, मतलब दो लोग उनके साथ रहते हैं। कहाँ के हैं? नगला इमलिया। पहले कोई दुश्मनी है क्या? नहीं कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। जी कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस को शिकायत की? पुलिस ने पुलिस शिकायत कर दी, पुलिस पीछे पीछे आ रही होगी। जो दूसरा व्यक्ति जो घायल है उसके साथ में आ रही हूँ। दो लोगों के लगी? हाँ, दो लोगों के लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।